हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ और इस टाइम में जाना, बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो वॉक के लिए हो या अपने काम के लिए हो। तो वही चीज है, और ऐसा काम जिसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की हो, फिर वहां पे जाने में बात ही अलग है कि हम वहां जा रहे हैं जहां पे हमने कभी सोचा था, अपने काम पे। अपने काम से हमेशा प्रेम करना चाहिए, कभी भी उसको बोझ समझ के मत करिए कि मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे काम करना है। एंजॉय करिए हर चीज में। देखिए, बात यहाँ पे ये होती है ना कि अपने स्वाभिमान को ना जगा के रखना चाहिए। अब आपका स्वाभिमान किसी को अभिमान लगता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ना अपना स्वाभिमान हमेशा जगा के रखना चाहिए कि हमें कोई कभी कुछ कहे ना। अपने काम से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि काम में आप इतने परफेक्ट रहिए कि हमेशा आपको यही होना चाहिए कि कभी कुछ हमें टोके ना कोई। तो इसीलिए देखिए, हमेशा समय से मैं पहले रहती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो कोई नहीं आया रहता है। इसके पहले भी जब मुझे बस पकड़ना रहता था तब भी मैं हमेशा टाइम पे 10 मिनट पहले ही खड़ी रहती थी, बस को भले लेट हो जाए। तो ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि हमें अपना काम समय से करना है। और वाकई में जब ऐसा आप करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी आदत में बन गई है ये सारी चीजें। तो बात वही है। और देखिए, हमेशा अपना ना समय का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय सबके लिए है और सभी लोग ताक में हैं। ऐसा ना हो कि आप समय चूक जाएं और अगला व्यक्ति इस मौके का फायदा उठा ले। तो मौके का फायदा क्योंकि उठाने के लिए आप जानते हैं ना कि सभी लाइन में लगे हुए हैं, आप ही नहीं आप, और इतनी भीड़ है ना हर जगह, कंपटीशन इतने ज्यादा हैं कि अगर जरा सा भी चूक हुई तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो मौके की बात है तो देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। आप लोग कहेंगे दीदी आजकल स्टोरी सुना रही हैं, क्योंकि जानते हैं मैं दो काम करती थी तैयारी के टाइम में। एक तो मैं पढ़ती थी, काम करती थी अपने घर का, और दूसरा जब मुझे अपने माइंड को फ्रेश करने का मन करता था, रिफ्रेश मतलब फिर से थोड़ा सा थक जाती थी तो लगता था कि फिर से चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, तो उस टाइम में मैं कोई सॉन्ग या कोई रील्स या कोई मूवी या कोई सीरियल देखने के बजाय मैं मोटिवेशनल स्टोरीज या कोई भी ऐसे लोगों को मैं सुनती थी जिनसे प्रेरणा मिलती थी। तो वही काम मैं समझ सकती हूँ कि इसका बहुत महत्व है। आपको सुनने से ना बहुत सारी चीजें आपको लगेंगे कि हाँ वाकई में करना चाहिए, और अपने आप को फिलहाल तो मोटिवेट करके रखने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए परीक्षा का टाइम भी नजदीकी दिन पे दिन आ रहा है, और आप लोग लगे रहिए, अब लापरवाही मत करिएगा। तो एक स्टोरी छोटी सी है कि दो दोस्त रहते हैं और दोनों मतलब मिल के सारा काम करते हैं, यहाँ तक कि वो अपना कुछ सामान वान भी बेचते हैं, तो दोनों मिल के हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते, सारी चीजें ना वो मिल के करते हैं। तो एक बार की बात है कि वो बच्चे ना शंख कलेक्ट कर करके वो सब बेचते हैं, है ना, और उससे जो पैसा आ जाता है उससे पैसा वो घर का काम चलाते हैं। तो एक बार जो दोनों दोस्त थे शंख चुन रहे थे, बिन रहे थे समुद्र के किनारे, और एक दोस्त को ना छोटे छोटे शंख मिल रहे थे और एक दोनों को छोटे छोटे शंख मिल रहे थे, लेकिन अचानक जो एक दूसरा दोस्त था उसको बहुत बड़ा सा शंख मिल गया। तो जाहिर सी बात है, देखिए कितना भी अच्छा दोस्त रहेगा ना, लेकिन वो जो है हमेशा आप जब आप तरक्की करने लगेंगे और वो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ना, एक जलन की भावना आ जाती है। तो दूसरा दोस्त सोचा कि अरे यार इसको तो आज ज्यादा पैसा मिल जाएगा, मुझे कम मिलेगा, तो मैं जो हूँ अब जो मैं भी बड़ा शंख ही खोजूंगा। तो वो क्या करता है, इसी चक्कर में बड़ा शंख खोजने के चक्कर में बहुत सारे छोटे छोटे शंख उसको मिले, लेकिन उसने उसे फेंकता गया, वो उसे फेंकता गया क्योंकि उसे अपने दोस्त की तरह बड़ा शंख चाहिए था। अब ऐसे करते करते पूरी शाम हो गई, लेकिन उसको बड़ा शंख नहीं मिला, और इसके चक्कर में उसने कुछ नहीं कलेक्ट किया, सारा छोटा शंख भी उसने उठा के फेंक दिया। जब शाम हुई तो इसके पास कुछ नहीं था, और जो दूसरा दोस्त था जिसको बड़ा शंख मिला था उसके पास बड़ा शंख तो था ही, लेकिन छोटे छोटे शंख भी उसने कलेक्ट किए थे, उसको छोड़े नहीं थे। जब बेचने की बात आई तो उसको जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा मिला, बड़े शंख का तो अलग से 3,000 शायद उससे ज्यादा मिला, और छोटे छोटे शंख का और ज्यादा पैसा मिला। तो ये जो दूसरा दोस्त था इसे बहुत बुरा लगा, तो उसे छोटे छोटे उसके जो दूसरा दोस्त था उसने कहा कि जो तुम शंख उठा के फेंक दे रहे थे छोटे छोटे, उसको मैं कलेक्ट कर ले रहा था, उसको मैंने फेंक रहा था, उसको भी मैं इकट्ठा कर रहा था, और ये जो सारे पैसे जो ज्यादा हैं ये छोटे छोटे शंख के ही हैं। तो देखिए ना, यही सही बात है कि हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं कभी कभी ना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं।
कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ना छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, उसको एकदम किनारे करते हैं, जो कि बात ये होती है कि छोटी छोटी चीजों पे काम करके ही हम बड़ी चीज हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए ना देखिए, मैं आपको हमेशा छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना बताती हूँ। पहले तो अपनी आदत का सुधार करना, समय का ध्यान रखना, एक एक मिनट का हिसाब रखना कि हमारा एक मिनट भी जाया ना हो। हम या तो काम करेंगे, या तो पढ़ेंगे, और या तो कोई एक, चलिए कोई स्टोरी अगर देखनी है तो ऐसी स्टोरी देखेंगे जिससे हमें कुछ फायदा हो। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से अपने आप को बनाना रहता है, क्योंकि आदत बिगड़ते ना देर नहीं लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे पेट्रोल भी ले लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।